जो जाति आपकी उन्नति नहीं करने पाई उसका मेन कारण आप ही हैं। जो जाति 250 वर्ष शासन में रही, सत्ता में रही, माता अहिल्याबाई होलकर हमारे समक्ष बैठी हुई है, इन्होंने वो शासन करके दिखाया जिसका अंग्रेजों ने भी पीड़ा उठाया था, पीड़ा माना था, कहां कोई लेडी था जिसने शासन किया था। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इसके जिम्मेदार आप हैं। वो कैसे जिम्मेदार हैं? आप में संगठन नहीं बन पाया, आप एकत्रित नहीं होने पाए। यदि एक मंच पर हो जाते तो इस जाति की तस्वीर ही कुछ बदल जाती। उसके जिम्मेदार आप हैं। बहुत सारे संगठन चल रहे हैं दोस्तों, बड़ी अच्छी बात है। इन संगठनों से एक बात तो मिलती है कहने के लिए, एक जागरूकता आती है। इन संगठनों का स्वागत करता हूं। कहीं कहीं संगठन पाल का चल रहा है, कहीं बघेल का चल रहा है, कहीं धनगर का चल रहा है, कहीं पाल बघेल का चल रहा है। इन छोटे छोटे संगठनों से हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। मैंने खूब अनुभव किया है और मैं जानता हूँ यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपकी व्यवस्था के बारे में 17 वर्ष का मैं व्यक्ति हो गया। मैंने देखा अभी तक जाति अपनी रातल पाई है, कुछ उन्नति नहीं कर पाई। जिन जातियों ने सम्मेलन करना अपना बंद कर दिया, उन्नति के शिखर पर पहुंच गई। आप वही लगे हुए हैं सम्मेलन। कब तक सम्मेलन चलता रहेगा? कब तक ही सम्मेलन करेंगे? क्यों नहीं एक छत्र होने पाते? क्यों नहीं एकत्रित होने पाते? आपने क्या ऐसी कमी हो गई जिसकी वजह से एकत्रित नहीं होने पाते? हम जानते बाल भी हमारा है, बघेल भी हमारा है, गडरिया भी हमारा है, धनगढ़ भी हमारा है, फिर भी एकत्रित नहीं होने पाते, ऐसे क्या हो गया? मैंने निष्कर्ष निकाला है। फिर छोटे छोटे संगठन क्यों चल रहे हैं? जब तक महत्वाकांक्षा को आप त्यागेंगे नहीं, उन नेतागणों से मेरा अनुरोध है, समाज उठेंगे नहीं करने पाएगा, उनको अपनी लोलुपता, अपनी महत्वाकांक्षा त्याग करके एक संगठन पर खड़ा होना पड़ेगा, तब कोई संगठन होने पाएगा। और एक नेता हमको मानना पड़ेगा, तब हमारा संगठन मजबूत होने पाएगा, तब आप नेता पैदा करने पाएंगे। नेता कहते हैं मोर बनाने से नहीं बनता, वो तो प्रकृति के द्वारा जीता हुआ आता है। नेता कहाँ से आएगा? नेता हम तुम बनाएंगे, सभी नेता नहीं बनने पाएंगे। एक बात उनसे कहा था उन्होंने, कल्याण सिंह जी के सारे लोग ही नेता नहीं बन पाएंगे, नेता तो कुछ ही चंद लोग बन पाएंगे। तो मेरे आप लोगों से अनुरोध है, किसी को नेता स्वीकार करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कि नेताओं को महत्वाकांक्षा आपको छोड़नी पड़ेगी। सभी नेता नहीं बनने पाएंगे, मैं भी नेता, मैं भी अध्यक्ष, मैं किसका हूँ? गडरिया सम्मेलन का अध्यक्ष हूँ, मैं क्या हूँ? पाल का अध्यक्ष हूँ, मैं बघेल का हूँ, मैं धनगर का हूँ। ये बात आपको छोड़ करके सभी नेतागणों को एक मंच पर आना पड़ेगा। एक पे उदाहरण के साथ मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूँ। ये 5 उंगली है हमारी, इन सभी की महत्वाकांक्षा है, मैं बड़ी हूँ। एक लाला की दुकान पर पहुँच के तो उन्होंने क्या किया? रसगुल्ला खाने का काम किया, तो अनूठा बोला कि मैं सबसे बड़ा हूँ। क्या बात है आपको बता दूं कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा। जितने राजपत्रित अधिकारी होते हैं, जितनी बहनामे होते हैं, मेरा अंगूठा लगता है तभी मान्य होते हैं, मेरी इतनी वैल्यू है। इसके बाद में दूसरी उंगली बोली कि मैं बहुत हूँ, क्या संकेत बताने वाले हूँ, अच्छे सबको गाइड करने वाली हूँ, तो मैं बड़ी हूँ। तीसरी उंगली बीच वाली बोली मैं तो स्वतः ही बड़ी हूँ, हैं मैं सबसे लंबाई बड़ी हूँ। चौथी उंगली बोली मैं तो सोने की हीरे की अंगूठी पहनती हूँ, मैं तुझसे ज्यादा बड़ी हूँ। कहने उंगली जिसकी कुछ वैल्यू नहीं, सबसे छोटी है, वो भी कहने लगी मैं किसी से कम कैसे हूँ, मेरे मारे पर्दनी पेड़ अच्छे अच्छे दुख जाते हैं, तो मैं किससे कम हूँ। सभी नेताओं से मेरा अनुरोध है, इस बात को ध्यान से रहेंगे, अपनी महत्वाकांक्षा को आत्महत्वाकांक्षा को क्या करके एक मंच पाएंगे, तभी समाज उन्नति करने पाएगा। नहीं जैसा है वैसा चलता रहेगा। मैं तो 70 वर्ष की व्यवस्था से यही देख रहा हूँ, ऐसे ही संगठन को चला रहा हूँ।